हाई एवरी वन वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे बहुत ही हेल्पफुल टिप्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया हमारी रिसेंट जर्नी को कम्फर्टेबल बनाने में तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था तो यू वुड हैव नोन कि अभी अभी मैंने दर्श के साथ अकेले एक काफ़ी लंबी फ्लाइट जर्नी की थी एंड उस जर्नी में मुझे क्या क्या चीज़ों ने ऐसे हेल्प किया क्या क्या, -क्या चीज़ें मैंने प्लान की थी जिनकी वजह से दर्श को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हम लोग की जर्नी जो है बहुत ही रही तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपकी भी कोई ऐसी जर्नी प्लान है बच्चों के साथ तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगी तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो आपको पसंद आए हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए इसके अलावा नीचे वाला लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बच्चों से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हम बनाएँ उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल रही वो ये थी कि क्योंकि मैं दर्शक के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी तो इसलिए हमने डायरेक्ट फ्लाइट ही कराई हमारी फ़्लाइट थी इंडिया से लंदन तो आई मेक श्योर कि हमें कोई भी बीच में अगर चेंज

Uh, मैंने जो आई uh, नो कि अगर हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग की थी फाइव थर्टी की तो उस केस में हमारी जो पूरी रात है वो एयरपोर्ट पे ही जाने वाली है तो मैंने लगभग सात आठ दिन पहले से ही दर्श का शेड्यूल इस तरीके से सेट किया था कि वो ऑलमोस्ट बारह एक बजे के बाद ही सोता था ताकि मुझे वो विंडो वो टाइम मिल जाए एयरपोर्ट पर जब जब दर्श नींद में ना हो और वो परेशान ना करें इसके अलावा हमने इसी शेड्यूल में ये भी मेक श्योर sure किया था कि मैं एयरपोर्ट पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं ताकि जो मेरी चेक इन और सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो हमारी एक डेढ़ बजे तक हो जाए और उसके बाद अगर दर्शको नींद भी आती है तो हम मैं उसको इजीली कहीं बेंच वगैरह पर सकते सकती हूँ तो ये तो बात हो गई फ़्लाइट की और टाइमिंग की और शेड्यूल की अब बात करते हैं पैकिंग की तो पैकिंग में मैंने दर्श के लिए एक अलग से ही बैग पैक किया था उस बैग में आ, जनरली आ, सिर्फ दर्श के ही सामान थे तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी एक सबसे पहले तो खाना क्योंकि आ, ये बच्चों के साथ काफ़ी होता है फ्लाइट का खाना वैसे ही इतना गंदा सा लगता है टेस्टी नहीं होता है और कुछ कुछ फ्लाइट्स में खाना ठंडा भी होता है तो बच्चे उस खाने को ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं और तो टू बी ऑन द सेफ साइड जो दर्श को पसंद है मैंने वैसा खाना पैक किया था सेकंड उसमें पैक किया था कुछ जंक फूड जो कि मुझे लगे कि हाँ दर्शक दर्श बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है परेशान हो रहा है या उसको भूख लगी है बट वो खाना नहीं खाना प्रेफर कर रहा है तो कुछ ऐसा जंक फूड जो दर्श को पसंद है मेजरली उसमें था कुछ जूस के पैकेट्स थे लॉलीपॉप Uh, इसके अलावा uh, मैंने चिप्स के पैकेट मैंने रखे थे जो चिप्स उसको पसंद हैं चॉकलेट रखी थी तो ऐसी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मेजरली फॉर द फ्लाइट कुकीज़ का पैकेट रखा था जो जो दर्शकों को चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ें पैक की थी इमरजेंसी uh, में यूज़ करने के लिए इसके अलावा मैंने उसमें पैक किए थे कुछ उसके टॉयज़ और बुक्स जो कि हमको फ्लाइट में हम इनको यूज़ करें अपना टाइम पास करने के लिए और वो भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे बहुत थोड़े रखे थे जो कि मेजरली दर्श को पसंद हैं वही टॉयज़ और वही बुक्स मैंने रखे थे ताकि ऐसा ना हो कि मैं नेसेसरी का वेट भी कैरी करूं और दर्श को उसमें इंटरेस्ट भी ना हो नाउ नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही वो था मैंने उसके लिए एक सरप्राइज टॉय रखा था दर्श को कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैंने उसके लिए एक ब्रांड न्यू कार उस, उसको पता नहीं था उसे हाइड करके रखी थी कि जब भी ऐसा होगा कि आ, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी टेंट्रम को लेकर तो मैं वो कार उसको दूंगी एंड ऐसा हुआ भी आफ्टर वी क्लियर ऑल दी क्यूज एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस उसके बाद दर्श इतना ज़्यादा थक चुका था ऑलमोस्ट सुबह के दो ढाई बज रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था तो उस टाइम पे वो सरप्राइज टॉय मेरा काइंड uh, ऑफ kind of ब्रह्मास्त्र साबित हुआ और उसको देने के बाद दर्श काफी देर तक उससे खेलता रहा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने वो एक ब्लैक कलर की कार देखी भी होगी दर्श के हाथ में जो पूरा टाइम जब तक हमने फ्लाइट बोर्ड नहीं की वो उसके हाथ में ही थी नाउ पैकिंग की बात हो गई अब बात करते हैं सीटिंग की तो सीटिंग में जिन चीजों का हमने ख्याल रखा था वो क्या थी एक तो हमने सीट बुक की थी सबसे एंड की सबसे एंड की सीट बुक करने का फायदा ये होता है कि वो वॉशरूम के भी पास होती है और पेंट्री के भी पास होती है तो अगर हमें खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी चाहिए तो हम इमीडिएटली जाके ले सकते हैं सेकंड दर्ज को कितनी बार भी वॉशरूम जाना है बिना किसी को डिस्टर्ब किए और मिनिमम डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए तो ये सोचकर हमने सबसे लास्ट सीट बुक की थी और काफ़ी अच्छा रहा हमको काफ़ी हेल्पफुल रहा वो लास्ट सीट इसके अलावा एक बेनिफिट हमें यह भी मिल गया कि जो लास्ट सीट थी वहाँ पे सिर्फ टू ही चेयर्स थी वहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं था सीट ही नहीं थी तो हमारे पास जो थर्ड सीट थी उसकी उसकी जगह हमारे पास काफ़ी लेग स्पेस था जहाँ पे हमने अपने कुछ खाने पीने का सामान अपने पास ही रखा था ऊपर नहीं रखा था तो वो भी हमें फ़ायदा हो गया तो जब भी आप वेब चेक इन कराएं आप भी ये चेक कर सकते हैं जनरली uh, मैंने दो फ्लाइट्स में चेक किया था दोनों ही फ्लाइट्स में Uh, uh, जो टू सीट्स थी ये वाला ऑप्शन अवेलेबल था तो अगर आप बच्चे के साथ अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो ये टू सीट्स हमारे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहे ना बात करते हैं एयरपोर्ट टिप की तो एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है वो काफी हेल्पफुल रहा स्पेसिफिकली व्हेन यू आर द किड तो हमको जैसे हम एयर इंडिया के साथ हमने ट्रैवल किया था तो एयर इंडिया के स्टाफ ने हमें काफी हेल्प किया हमारा जो केबिन लगेज था बेसिकली वो कैरी करने में इसके अलावा और भी uh, जैसे वहाँ पे जो क्यूज थी तो प्रायोरिटी क्यूज अलग थी जो वेन यू आर ट्रैवलिंग विद केड और वेन यू आर ट्रैवलिंग विद एनी एल्डरली पीपल सो आपके लिए वहाँ पे प्रायरिटी क्यू थी हर जगह पर इवन सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी हमको प्रायरिटी क्यू मिल गई थी तो आप प्रेफर कीजिए कि आप ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए ऑल दो ये सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पे ही था यहाँ पे लंदन एयरपोर्ट पे वो नहीं था बट ठीक है वहाँ पर आप उन, उन क्यूज़ में लगिए जहाँ पे आप स्पेसिफिकली विच आर फॉर दी केड्स और एल्डर पीपल इसके अलावा आपको जहाँ पे भी हेल्प चाहिए जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए Uh, जो एयरपोर्ट का स्टाफ था वो काफ़ी हेल्पफुल था तो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर दी हेल्प नाउ बात करते हैं व्हेन यू आर इन द फ्लाइट सो बच्चों के लिए इवन सभी के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट uh, होता है एयर प्रेशर की वजह से कानों में आपको थोड़ा डिफरेंट सा चोक सा फील होता है तो उस केस में uh, आप एक तीन चार ऑप्शन होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों को आप लॉलीपॉप दे सकते हैं क्योंकि जब बच्चे उस लॉलीपॉप को लिक करते हैं या चूसते हैं टॉफी दे सकते हैं जब उनको चूसते हैं तो वो एयर प्रेशर रिलीज होता है इसके अलावा मैंने क्या किया था मैंने दर्श को ऑफ के टाइम पे तो सुला ही दिया था तो टेक ऑफ के टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वो आराम से सो गया बिकॉज तो वो तो रात भर का जागा हुआ था आ, इसके अलावा लैंडिंग के टाइम पर मैंने दर्श को जूस दे दिया था तो आप बच्चे को पानी दे सकते हैं जूस दे सकते हैं या कोई भी ड्रिंक दे सकते हैं जब बच्चे उसको सिप सिप करके पीते हैं उससे भी जो एयर प्रेशर होता है वो रिलीज़ होता है और बच्चों को ईयर्स में हैवीनेस या अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है इसके अलावा फ़्लाइट का टाइम पास करने के लिए ही मैंने अपने फ़ोन में कुछ वीडियोज़ और कुछ गेम्स डाउनलोड कर लिए थे लकीली उसकी जरूरत नहीं पड़ी बट हाँ अगर ऐसा होता कि अगर दर्श को कुछ और पसंद नहीं आ रहा है वो परेशान हो रहा है तो उस केस में जो गेम्स या उसके जो YouTube पे जो वीडियो कुछ देखता है वो सब मैंने डाउनलोड करके रखे थे ताकि मैं उनको यूटिलाइज कर पाऊँ तो ये भी काफी हेल्पफुल रहता है और वैसे तो जो लॉन्ग जर्नी वाली फ्लाइट होती है उनमें स्क्रीन होती है बट अनफॉर्चुनेटली हमारी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी तो उस केस में अगर दर्श मांगता वीडियोस या यूट्यूब मांगता तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड करके रखे हुए थे ऑफलाइन नौ मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा पॉइंटर जिसने मुझे काफ़ी रिलैक्स रखा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग घर से 10:30 निकल गए थे मेरी फ्लाइट थी सुबह पाँच बजे की तो 10:30 से लेकर दो बजे तक ऑलमोस्ट हम चेक इन और सिक्योरिटी की इन सब इमिग्रेशन इन सब में ही लगे रहे तो उस उस केस में वेन्यू और अलोन तो ये बहुत टेंशन रहती है कि बच्चे को सूसु जाना है पॉटी जाना है तो मैंने दर्श को डायपर पहनाया था ऑल्दो वो भी डायपर फ्री है वो पिछले एक डेढ़ साल से डायपर नहीं पहन रहा है बट यहाँ पे मैंने डायपर पहनाया था कि इन केस मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं सामान को छोड़कर या सामान को लेकर दर्श के साथ नहीं जा सकती हूँ और उसको इमरजेंसी में जाना है तो वो वाला सिचुएशन हम ईजिली फेस कर पाए एंड ये बहुत हेल्पफुल भी रहा उसको वॉशरूम जाना था वैन वी आर बोर्डिंग द प्लेन और उस टाइम पे मैं उसको एकदम से वॉशरूम लेकर नहीं जा सकती थी तो उसने डायपर पहना हुआ था तो ऑल दो ये काफी हेल्पफुल रहा बच्चे इतना ईजी जब डायपर फ्री हो जाते हैं तो वो इतना इजीली नहीं करते हैं पिया पॉटी तो डायपर में बट एटलीस्ट अगर कुछ इमरजेंसी है तो उस केस में आप बच्चे को बोल सकते हैं करने के लिए एक बार में तो कुछ नहीं होता है हाँ लेकिन ये आपको बहुत पीस ऑफ माइंड देगा मुझे तो उसने बहुत पीस ऑफ माइंड दी मैं दर्ज को मैंने एक डायपर पहना लेकर गई थी और एक में रख कर लेकर गई थी नव बात करते हैं लास्ट पॉइंटर की अगर आपका बच्चा तीन साल या उससे ऊपर है तो उस केस में बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप जो अब आपकी जर्नी है जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस जर्नी से वो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की एक्सपेक्टेशन सेट करते रहें टाइम टू टाइम मैंने दर्श को आठ दस दिन पहले से मेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग नाइट में ट्रैवल करेंगे हम लोग डैडी के पास जा रहे हैं हमारी फ्लाइट में क्या क्या होगा हम एयरपोर्ट पे क्या क्या देखेंगे तो इस तरीके से बच्चा भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहता है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं क्या क्या वहाँ पर उसको देखने को मिलेगा तो उन सब सबसे वो थोड़ा सा उसकी एक्सपेक्टेशन सेट रहती है और जब बच्चे की एक्सपेक्टेशन सेट रहती है तो डेफिनेटली आपको कम टेंट्रम देखने को मिलते हैं एंड इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया जैसा कि मैंने बोला हम लोग ऑलमोस्ट पंद्रह घंटे हमारा जो एयरपोर्ट और फ्लाइट का मिला के मोर देन फिफ्टीन आवर्स हम लोग ने ट्रैवल किया अकेले और आ, आई एम वेरी लकी कि दर्श ने सिर्फ एक ही बार टेंटम दिखाया और वो भी जब वो बहुत ज़्यादा थक गया था बहुत देर से वो लाइन में खड़ा हुआ था तो सिर्फ वो एक बार वो थोड़ा सा परेशान हुआ और वो भी उसने अपना टॉय देखा तो वो ठीक हो गया तो देट सेट फॉर टूडेज वीडियो यही सारी चीजें थी जिन्होंने हमको हेल्प की हमारी जर्नी को ईजी और कम्फर्टेबल बनाने में इसके अलावा आपने मेरे कोई रिसेंट जर्नी की है बच्चे के साथ तो और आपने ऐसी कोई प्लानिंग की थी जिसने आपको हेल्प किया आपकी जर्नी को बेटर बनाने में तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि वो बाकी सब लोगों को भी हेल्पफुल लगे इसके अलावा आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा वो भी ज़रूर बताइए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए इसको शेयर कीजिए ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ जिनकी जर्नी प्लान है जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज़ वीडियो